भगवान का पहला विवाह हुआ किसके साथ? रुक्मणी जी के साथ। रुक्मणी जी के साथ में विवाह हुआ भगवान का। ठीक एक वर्ष के बाद इन पर पहला बेटा हुआ। रुक्मणी जी से एक पुत्र प्राप्ति हुई जिसका नाम है प्रद्युम्न। अब भगवान का एक दुश्मन है, शत्रु है, जिसका नाम है संब्रासुर। ये राक्षस भगवान का एक दुश्मन है। इसने क्या किया? भगवान से बदला लेने के लिए इसने प्रद्युम्न का हरण कर लिया, भगवान के बेटे को चुरा लिया और चुरा करके विमान में ले जा रहा था आकाश मार्ग से, और समुद्र के अंदर फेंक दिया इसने इस बालक को। समुद्र के अंदर इस बालक को एक मछली ने निगल लिया, मछली ने पान कर लिया इस बालक का। जब एक मछुआरे ने उस मछली को बाहर निकाला कांटा डाल के और उस मछली को चीरा, तो ये बालक जिंदा बाहर निकला, ये मरा नहीं मछली के पेट में। अब उस मछुआरे ने उस बालक को देखा, बड़ा सुंदर बालक, क्या करूं इसका? इसने क्या किया? इस बालक को, प्रद्युम्न को, पुनः अपने राजा को दे दिया। संब्रासुर ही इसका राजा है, वहीं दे आया इसको। अब संब्रासुर ने सोचा कि इस बालक को मैंने मारने का प्रयास किया लेकिन ये तो मरा नहीं, जिंदा निकला, इसलिए ऐसा करता हूं, इस बालक को मैं अपने महलों में ही रख लेता हूं, किसी को क्या पता चलेगा। और संब्रासुर ने भगवान के इस पुत्र को, प्रद्युम्न को, अपने महलों में ही पाला पोसा। जब ये बालक बड़ा हुआ, इस बालक को जब ये बालक जवान हुआ, एक दिन नारद जी ने इस बालक को सब बता दिया आके कि तुम्हारे असली पिता तो भगवान कृष्ण है, द्वारिकाधीश, और जिसके यहां तुम रहते हो ये तुम्हारे पिता का दुश्मन है, बचपन में तुमको हरण कर लिया। पूरी बात नारद जी ने प्रद्युम्न को बता दी। अब प्रद्युम्न ने क्या किया? प्रद्युम्न ने इस राक्षस को मार डाला, संब्रासुर को, और मार करके अपनी पत्नी को लेके और भगवान कृष्ण के यहां आ गए, अपने पिता के यहां द्वारिका में। द्वारिका में जब ये प्रद्युम्न आए थे तो भगवान के साथ विवाह और हो चुके थे, तब तक दूसरा विवाह भगवान का हुआ था जाम्बवती के साथ। ये जाम्बवती कौन है? जामवंत की बेटी। और ये जामवंत कौन है? ये वही जामवंत है जो भगवान राम की सेना में था, भालू, इसी की बेटी है जाम्बवती। अब आप सोचोगे कि भालू की बेटी का विवाह भगवान के साथ कैसे हो सकता है, क्योंकि भालू की बेटी भी तो भालू ही हुई ना। कहां द्वारिकाधीश और कहां जाम्बवती? तो चलो इस कथा को सुनी लो। एक बार क्या हुआ, एक सत्राजित नाम का राजा था, उस पर एक मणि थी जिसका नाम है शमंतक। ये शमंतक नाम की मणि 8 भार सोना रोजाना देती। 8 भार सोने का मतलब होता है 2 क्विंटल सोना। 2 क्विंटल सोना ये रोज देती मणि। एक दिन ये राजा अपने गले में मणि पहन करके भगवान के दरबार में आया, तो भगवान ने इससे कहा कि सत्राजित, तुम्हारा परिवार तो बहुत छोटा है, मेरा परिवार, मेरा जो राज्य है बहुत बड़ा है, आप इस मणि का क्या करते हो? इस मणि को आप मुझे दे दो, मेरी मदद हो जाएगी। सत्राजित ने मना कर दिया। भगवान ने बहुत समझाया, सत्राजित नाराज हो गया और नाराज होकर के महलों से बाहर चला गया। एक दिन इसी मणि को सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन अपने गले में डालकर और जंगल में शिकार खेलने चला गया। एक शेर से इसका युद्ध हो गया और शेर ने प्रसेन को मारकर इस मणि को अपने कब्जे में ले लिया। यहीं से एक भालू जा रहा था निकलकर, भालू ने उस शेर के गले में उस मणि को देखा, बड़ी सुंदर मणि,
तो भालू ने सोचा कि इस मणि को मैं अपनी बेटी के लिए खेलने को दे दूंगा। इसलिए शेर का और भालू का युद्ध हुआ, शेर को मार डाला भालू ने और उस मणि को अपनी गुफा में लेकर चला गया ये भालू और अपनी बेटी को दे दी वो मणि। इधर जब प्रसेन कई दिनों तक लौट के नहीं आया तो सत्राजित को चिंता हो गई। सत्राजित ने सोचा कि मेरा भाई जाने कहां चला गया और उसने भगवान कृष्ण पर संदेह किया कि मेरा भाई उस मणि को पहन के गया था और कृष्ण उस मणि को मांग रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण ने मेरे भाई को मार कर उस मणि को अपने कब्जे में ले लिया हो। इसलिए भगवान कृष्ण पर बेवजह आरोप लगा दिया, कलंक लग गया भगवान पर हत्या का, वो भी लालच में आकर हत्या का। पूरा जगत कृष्ण को दोषी मानने लगा कि कृष्ण ने मणि के लालच में आकर के प्रसेन को मार डाला। भगवान उदास रहने लगे, दुखी हो गए, अपने गुरुजी के पास गए, गुरुजी के चरणों में जाकर के निवेदन किया, गुरुदेव मैंने किसी को नहीं मारा लेकिन पूरा संसार कहता है कि मैंने लालच में आकर के प्रसेन को मार डाला, मैं क्या करूं, इस कलंक से मुझे कैसे छुटकारा मिले। गुरुदेव ने कहा, कृष्ण इसमें आपका कोई दोष नहीं है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपने भाद्रपद के चौथ के चंद्रमा का दर्शन कर लिया है और चंद्रमा जो भादों के भाद्रपद होता है, जो भादों का महीना, उसकी चौथ के चंद्रमा का जो भी दर्शन करता है उसे जीवन में एक बार कलंक जरूर लगता है, क्योंकि ये चंद्रमा जी को श्राप लगा, ये चंद्रमा को श्राप लगा था कि इस दिन जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा उसको जीवन में एक बार कलंक जरूर लगेगा। और श्राप लगा कैसे, एक बार भगवान गणेश अपने माता पिता की पूजा करने जा रहे थे। अब भगवान गणेश का शरीर थोड़ा मोटा ताजा था है, अब जैसे ही भगवान गणेश पूजा की थाली लेकर जाने लगे तो रास्ते में, भादों का महीना था, चौथ के चंद्रमा जी चमक रहे थे आकाश में, और जैसे ही भगवान गणेश जा रहे थे तो सामने कीचड़ पड़ी। अब मोटा ताजा शरीर था, पूजा की थाली हाथ में लगी है और जैसे ही भगवान गणेश उसको लांगने लगे तो उनका पैर कीचड़ पे पड़ा और पैर फिसला और पैर फिसल करके पूजा की थाली लेकर के भगवान गणेश जमीन पर गिर पड़े। जमीन पे भगवान गणेश जैसे ही गिरे वैसे ही चंद्रमा उनको देख करके हंस पड़े, उनकी हंसी उड़ा दी। गणेश भगवान ने देखा कि चंद्रमा मेरी हंसी उड़ा रहा है, इसलिए भगवान गणेश ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज के दिन तुमको कोई देखेगा नहीं और जो भी देखेगा उसके जीवन में कलंक जरूर आएगा, इसलिए श्राप लगा। तो गुरुजी ने समझाया कृष्ण को कि इसमें आपका कोई दोष नहीं, लेकिन अब इसका कुछ ना कुछ उपाय तो करना पड़ेगा, तुम एक काम करो पहले प्रसेन को ढूंढो कि वो है कहां, क्योंकि अभी तक उसका मृत शरीर मिला नहीं है। तो भगवान कृष्ण उसको ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गए जहां प्रसेन मरा पड़ा था। प्रसेन की बगल में ही एक शेर मरा पड़ा है और शेर के अगल बगल में ही भालू के पैरों के चिन्ह है। भगवान सब समझ गए, भालू के पैरों के चिन्हों के पीछे पीछे भगवान उस गुफा में पहुंच गए जहां भालू रहता है। जैसे ही गुफा में भगवान ने प्रवेश किया तो क्या देखते हैं भगवान की भालू की जो बेटी है वो अपनी सहेलियों के साथ उसी मणि से खेल रही है, ऐसे उछाल उछाल कर। जैसे उसने मणि को उछाला हुआ मणि भगवान के गले में आके पड़ी। इतनी ही देर में भालू आ गया, भालू ने समझा कि इसने मेरी बेटी से ये मणि छीन ली है, इसलिए भगवान में और भालू में युद्ध हुआ। कई दिनों तक युद्ध चला, अंत में भगवान ने भालू को परास्त कर दिया। भालू ने भगवान के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ कर कहने लगे कि प्रभु मैंने आपको पहचान लिया, आप तो मेरे राम हो, आप तो मेरे राम हो।
भगवान कृष्ण मुस्कुरा गए और उनको वो बात याद आ गई जब भगवान राम ने रावण को मार दिया था और बानरों को भालुओं को इनाम दे रहे थे कि तुमने मेरी बहुत सहायता की नहीं, जो चाहिए सो मांग लो। जब जामवंत की बारी आई थी तो जामवंत ने कहा था प्रभु मेरी तो एक इच्छा है उसको पूरी कर दो। भगवान बोले क्या? बोले रावण की सेना में मुझे एक भी वीर ऐसा नहीं मिला जो मेरे हाथों की खुजली मिटा सके। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे युद्ध करें, मेरा युद्ध करने का बड़ा मन है, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। भगवान राम ने कहा देखो जामवंत, स्वामी का और सेवक का कभी युद्ध नहीं होता, यह नियम के विरुद्ध है। इस अवतार में, इस जन्म में मैं आपसे युद्ध कर नहीं सकता। हां, जब मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा द्वापर युग में तो आपसे, आपकी इस इच्छा को जरूर पूरी करूंगा, आपकी खुजली जरूर मिटाऊंगा। इसलिए आज भगवान कृष्ण ने जामवंत की उस इच्छा को पूरा किया। भगवान बोले अब मैं चलता हूं जामवंत। जब भगवान लौटने लगे तो जामवंत ने कहा प्रभु एक इच्छा और है। क्या? बोले आप मेरी जो बेटी है, इकलौती बेटी जाम्बवती, आप इसको अपने महल में ले जाओ, रानी बनाकर इसको रानी बना लो, इसके साथ वरण कर लो। भगवान ने कहा, अब भगवान भक्त की इच्छा कभी टालते नहीं, इसलिए एक बार भी कुछ सोचा नहीं, बोले ठीक है जामवंत, आपकी इस इच्छा को भी मैं जरूर पूरी करूंगा। और जाम्बवती को लेकर के भगवान द्वारिका जाने लगे। और भगवान जब द्वारिका जाने लगे तो मन में सोच रहे हैं कि जाम्बवती भाई भालू, भालू की बेटी तो भालू है, लंबे लंबे बाल, काले काले और भालू की तरह ही चल रही है। अब भगवान लेके तो चल रहे हैं उसका हाथ पकड़कर, लेकिन ये सोच रहे हैं कि जब मैं इसको द्वारिका में लेकर जाऊंगा पूरे द्वारिका वाले कहेंगे कि भगवान दूसरों ब्याह कर लाए, भगवान दूसरों ब्याह कर लाए, देखें तो सही दुल्हन कैसी है। और जैसे ही द्वारिका वालों को पता चलेगा कि भालू से ब्याह करके लाए तो सब मेरी हंसी उड़ाएंगे, सब मेरा मजाक बनाएंगे। अब भगवान के मन में ये मंथन चल रहा है कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो भगवान ने क्या किया, जाम्बवती को एक एक साड़ी पहनाई, पहले लपेटी उसके शरीर पर, पूरे शरीर पर साड़ी लपेटी जिससे ये बाल बाल सब ढक जाए, ये बाल ना दिखे। और साड़ी लपेट करके घूंघट लगा दिया, लंबा सा घूंघट लगा दिया। और जाम्बवती के कान में कहा कि जाम्बवती ध्यान रखना, तुमको देखते ही रुक्मणी आएगी तुम्हारी पूजा करने, यानी गृह प्रवेश कराएगी ना, नई दुल्हन आई है, नई बहू आई है, कम करो। हाँ, तो तुमको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी रुक्मणी आए तुमसे कोई भी प्रश्न करें तुमको मुंह से बोलना नहीं है, केवल सिर हिला के जवाब देना है और कुछ नहीं करना। अगर हां कहना है तो ऐसे कर देना और ना कहना है तो ऐसे कर देना, घूंघट मत उठा देना, बस घूंघट लगा रहना चाहिए। अब जैसे ही जाम्बवती को लेके भगवान पहुंचे द्वारिका में, सब जगह हल्ला हो गया, भगवान दूसरों ब्याह कर लाए, भगवान दूसरों ब्याह कर लाए, भगवान दूसरों ब्याह कर लाए, चलो देखेंगे कैसी रानी आई है हमारी दूसरी। रुक्मणी को पता चला तो रुक्मणी तो बड़ी खुश हुई, मेरी छोटी बहन आ गई, मेरी छोटी बहन आ गई, मेरी छोटी बहन आ गई, ऊपर से ही देख रही है। जैसे ही भगवान कृष्ण और जाम्बवती घुसने वाले थे महलों में तो इशारा कर दिया रुक्मणी ने, प्रभु अभी नहीं, अभी रुक जाओ, नियम तो फॉलो करने दो, गृह प्रवेश करना है। अब भगवान जाम्बवती को लेकर बाहर रुक गए। अब रुक्मणी पूजा की थाली सजा करके लाई, पानी का लोटा लेके आई है, और जैसे ही दरवाजे पर पहुंची
भगवान का टीका किया पहले तो, भगवान का टीका किया और उसके बाद ये जाम्बवती का तिलक करने लगी। जाम्बवती का तिलक जब करने लगी तो रुक्मणी ने कहा कि बहन घूंघट उठाओ, घूंघट उठाओ। तो जाम्बवती को पता था कि सिर हिला के जवाब देना है, इसलिए जाम्बवती ने ऐसे ऐसे सिर हिला दिया, नहीं उठाऊंगी। तो रुक्मणी ने सोचा कि नई नई बहू है, शर्मा रही है, नई नई बहू आती है तो शर्माती है, इसलिए रुक्मणी ने कहा चिंता मत कर, मैं तेरी बड़ी बहन जैसी हूं, मुझसे कैसा संकोच, और कोई थोड़े ही है, तुम घूंघट उठाओ। जाम्बवती ने फिर सिर हिला दिया, नहीं उठाऊंगी। रुक्मणी ने भगवान की ओर देखा, भगवान से कहा प्रभु आप कहो ना, विलंब हो रहा है, देरी हो रही है। भगवान ने कहा देखो तुम इसकी बहन हो ना, बोले हाँ, तो आपस में ही निपट लो, मुझे बीच में मत लो, हाँ आपस में निपटो। अब रुक्मणी ने फिर से कहा जाम्बवती से कि बहन विलंब हो रहा है, अपना घूंघट उठाओ। जाम्बवती ने फिर से रिला दिया, नहीं उठाऊंगी। तो रुक्मणी को थोड़ा गुस्सा आ गया, हैं? कई बार कहा नहीं उठाया, रुक्मणी थोड़ी गुस्से में आ गई और गुस्से में आकर के कहने लगी ज्यादा सुंदर है क्या, ज्यादा खूबसूरत है, कह देते ना गुस्से में आके, बोले ज्यादा सुंदर है क्या। अब तक तो हर बार ऐसे सिर हिलाया था जाम्बवती ने, मना किया था, लेकिन जैसे ही रुक्मणी ने कहा कि ज्यादा खूबसूरत है क्या, इतना अभिमान, इस बार जाम्बवती ने ऐसे सिर हिला दिया, इस बार गड़बड़ हो गई, अब भूल से ऐसे हिल गया सिर, तो रुक्मणी का तो पारा और हाई हो गया। बोले अपनी खूबसूरती पर इतना अहंकार, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि अभी से, इसी पल से, इसी क्षण से तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो जाओ। और देखो उसी पल जाम्बवती बिल्कुल हूबहू रुक्मणी जैसी हो गई, भगवान को हंसी आ गई और भगवान ने जाम्बवती से आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया, अब हो गया काम, घूंघट उठा लो, जो होना था वो हो गया। ये सब भगवान की लीला है, इसलिए इनका एक नाम क्या है, कृष्ण का लीलाधारी, ये लीलाएं करते रहते हैं, इशारे से ही सब काम होता है। तो दूसरा विवाह इनका जाम्बवती के साथ हुआ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ, चौथा कालिंदी के साथ हुआ, पांचवा भद्रा के, छठवा नागनजती के, सातवा मित्र वृंदा के और आठवा लक्ष्मणा के, आठ विवाह भगवान के हो गए।